हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। ज्योति के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर सॉल्टेड पॉपकॉर्न। ये बनाने बहुत आसान होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। सबको बहुत पसंद आते हैं। अक्सर बच्चों को भी पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आइए इस पे घर पे बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी लिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बटर। हमने घी और बटर इसलिए लिया है, हम सिर्फ बटर लेते तो हमारा बटर जल सकता था, इसलिए घी और बटर मिक्स करके लेना है। 1 पिंच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच में से छील लिया है, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप थोड़ी और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब मैंने लिए हैं 1 बाउल मक्का के दाने। ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे इस तरीके से, मीडियम फ्लेम पे इस तरह से रोस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं घर के बने हुए पॉपकॉर्न। आप इसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी आसानी से बना के रख सकते हैं। अब देखिए मक्का फूटने लगी है, अब हम इसे कवर कर देंगे। मैंने 1 मिनट भूना था सिर्फ, और मक्का फूटने लगी है। अब इससे एक एक मक्का के दाना अच्छे से खिल के आएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आपको आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट कीजिएगा। इस तरह से देखिए अभी अच्छे से फूटने लगे हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाते हैं। जब ये फूटना बंद कर दे तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। पॉपकॉर्न हमें हाई फ्लेम पे भूनने हैं इस तरीके से। इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स देखिए सारे पॉपकॉर्न बन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसे सर्व करेंगे। एकदम क्रिस्प पॉपकॉर्न बने हैं, खूब अच्छे पॉपकॉर्न बने हैं, बहुत टेस्टी भी पॉपकॉर्न बने हैं ये। देखिए अब बाजार से क्यों पॉपकॉर्न लाए, घर में क्यों ना बनाए। देखिए कितने अच्छे पॉपकॉर्न बने, एक एक दाना खिल के आया है। हरी मिर्च का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।